मेरे पास कई मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नफ्स स्टैंड होता है तो ठीक होता है, लेकिन जब ये बैठा होता है तो ये तो बिल्कुल छुआरे से भी छोटा हो जाता है। जो छोटा नफ्स है वो अगर बैठा हुआ है तो क्या मसला है? आपने कौन सा किसी को दिखाना है? कहते नहीं, हम खुद तो देखते हैं ना, या बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, कछू कुमे की तरह ये पीछे आ जाता है। तो मैं कहता हूँ यार, ये एक टूटी है जिसका काम सिर्फ पेशाब करना है, ठीक है? पेशाब टूटी बड़ी है छोटी है उसने निकल जाना है, तो आप इसके मतलब परेशान ना हो। लेकिन वो परेशानी उनकी ख़त्म नहीं होती। वो कहते नहीं जनाब, ये छोटा भी है और अगर ये बैठा हुआ है छोटा है तो इसको जनाब बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से तो एक मरीज तो मेरे से लड़ना शुरू हो गया कि आप मुझे इसकी वजह तो बताएं कि क्यों ऐसा होता है। तो चूँकि हम हुए उस्ताद सेक्स के, तो मैंने कहा जनाब जवाब तो हमारे पास है। कहता जी जवाब नहीं मुझे दे सके कई लोग। मैंने फिर उनको बताया कि जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, घबराए रहते हैं, उनका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव रहता है और वो ब्लड को बिल्कुल अंदर जाने से रोकता है और जिसकी वजह से नफ्स जो है वो अंदर की तरफ खींच जाता है। तो जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तो उस वक्त ये उनका नफ्स जो है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है। जब आप खुद निकाल के देखते हैं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, ठीक है? तो मैंने कहा अगर आप अभी बेहोश हो जाओ तो आपका नफ्स जो ना सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहेंगे, ये बाहर आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। और हमने देखा है, हम सर्जरी में जाते हैं तो जब पेशेंट को बेहोश करते हैं तो उनके कपड़े शपड़े जब उतारते हैं तो उनके नफ्स ठीक ठाक लंबे बाहर आए होते हैं। क्यों? बेहोश होते हैं। इवन जो डेड पर्सन है उसका भी नफ्स अपने नॉर्मल साइज में आता है क्योंकि उसे कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है? बेहोश आदमी को या डेड आदमी को तो कोई अंदर से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होता उसको, जो उसको खींच के रखे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो छोटे नफ्स का होना, जब वो छोटा हो, जब वो बैठा हो, तो दिमाग के ऊपर सिर्फ एक दिमाग को परेशान करने वाली बात है, ठीक है? लोग फिर ये करते हैं कि उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा इरेक्शन कायम रखता है, वेसल्स से खुली रहती हैं, परेशानी को कम करती हैं चीज़ें, वो देते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो फिर उनमें कुछ बेहतरी आ जाती है, वरना बेसिकली इसकी इलाज कराने की ज़रूरत होती नहीं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।